लोग मिलते हैं जेरी से। ये देखिए, ये हमारा जेरी, ये थाने रोड पर अभिभोर भैया के यहाँ का जेरी है, जैनी है, जैनी। और ये हमारा फ्रेंड बन गया है, अभी मैं जस्ट 2 मिनट पहले इससे मिला हूँ। गाइस इधर देखो, देखो गाइस, ये बना हुआ है यहाँ पर और इधर बिल्कुल अंदर तक घुस गया है। अब देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं आज। वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा ब्लॉग्स। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और मैं हूं सूर्या पटेल। तो गाइज, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वी आर कमिंग इन मेला विथ अवर मॉम पटेल। सो दिस इज मृत्युंजय पटेल एंड हियर इज माई सिस्टर सूर्या पटेल। गाइज आज भर भर की इंग्लिश बोल दी है। आप बोल सकते हैं कि रट के इतना ही आए थे बोले हम। तो गाइज अभी अभी की मैं आपको बात बता दूँ कि हम लोग मतलब जस्ट अभी पहुंचे, आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, बहुत सारे काम आ जाते हैं। अभी मैं आपको हाल ही का ये इंसिडेंट बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे, यदि आप मुल्तानी मेले में आते हैं तो अपनी गाड़ियों को सही तरीके से पार्क करें। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ सर्कस में एक गाड़ी चोरी, सर्कस के सामने से एक बाइक चोरी हुई थी। तो गाइस यहाँ पर व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है और दीदी की स्माइल भी बहुत अच्छी लग रही है। दीदी का ध्यान अभी भी इधर उधर है और हमारी मम्मी जो है वो शॉपिंग कर रही है। आज गए हमारे भर भर के बच्चे भी आने वाले, पता नहीं कितने आने वाले। प्लान आज थोड़ा सा बना था, थोड़ा लेट हो गए सब लोग की, कुछ की ट्यूशन आज भी थी गाइस संडे होने के बाद भी। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे और बैक कैमरे से भी हम बात करते चलेंगे। हम लोग आगे निकल गए थे, अब देखिए हम आपको बता देते हैं। मम्मी ने कुछ लिया है, मम्मी पीछे रह गए और कुछ ले रही है गाइस, वो देखने की जरूरत नहीं है, बट पता नहीं क्या लिया, देखते हैं। ये गाइस छोटा सा पापड़ का पैकेट लिया है, नहीं चावल की पापड़ है ये, इतने बड़े। गाइस अभी अभी मुझे अंग्रेजी बालों वाला मतलब एक शख्स दिखाई दिया था, मैंने दीदी को बोला कि वो अंग्रेज, तो दीदी बोलती वो झूठी अंग्रेज है। मतलब वो आजकल डाई वाई भी बहुत मतलब लगा लेते हैं, असीम स्तर पर चलने लगा है ना, चलती है। और गाइस आज जो है बदली बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ जो ठंड है वो बहुत कम है आज की, तो बहुत कम लोग हैं ना आज, बहुत ज़्यादा शख्स जो है वो टोपा टापी वगैरह लगा करके नहीं चल रहे हैं। आज भीड़ थोड़ी कम नज़र आ रही है ना, सारी भीड़ जो है शायद सारी दिन में निकल गई होगी गाइस। अब हम जिधर से भी चल रहे हैं हमें भी नहीं मालूम किधर से चल रहे हैं, बट जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं लट्टू वाले। मैं आपको यहाँ से बैक कैमरे से एक बार दिखा देता हूँ कि बैक साइड में क्या चल रहा है। आपको ये जो झूला झूला दिखाई, लट्टू टाइप चल रहा है ये, और मैं रोक कर आपको दिखाऊंगा जैसे पास में जाऊंगा। ये हमारे मेले का सबसे क्या होना चाहिए, खतरनाक झूला मेरे को लग रहा है, और अंदर बैठने वाले तो वो भी महान है। तो गाइस ये देखिए आप, ये हमारे यहाँ का झूला है। और गाइस ये वाला जो सीन है अब आपको रेयरली दिखने लगेगा, क्योंकि बहुत जल्द जो है हमारे यहाँ से मेला भी अब उठ ही जाएगा और एक बार राइड वगैरह आ जाएगा। कितने कितने के भैया? 100 रुपये भी दो। 100 के 2 है क्या? क्या ये कैसे लग रहे हैं आप बताइए, आप कहाँ से आए, कहाँ से आए, नाम बताओ। अरबाज। तो गाइस ये अरबाज बेचने के लिए आए हैं। यहाँ पर ले रहे हैं लोग, नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं। और ये गाइस इसकी कीमत जो है, कोई भी आप लेंगे तो सिंथेटिक कपड़ा है, 50 के 2 बेच रहे हैं, सॉरी 100 के 2, 50 का 1 बेच रहे हैं। ठीक है भैया। तो मेले में हम उस सेक्शन पे आ गए हैं अगेन जहाँ हमारे को घूमना चाहिए था। आज बहुत, आज देख रहे हैं हमारा विचार चल रहा था कि हम लोग झूला वगैरह झूलते हैं, भीड़ के बीच में से एक बार फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं। अच्छा ये रोशन है गाइस, ये है रोशन सोनी। अभी पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा गाड़ी से जो भाई साहब उतरे थे वो यही थे। साथ में कौन आया? अच्छा ये अकेले आए, इनकी शादी नहीं हुई है अकेले आए, अगले साल साथ में आएंगे, अगले साल साथ में आएंगे, ये पक्का है। ये वीडियो मम्मी पापा भी देखेंगे आपके, तो थोड़ा जल्दी करवाएंगे हम। ठीक है बाय। तो रोशन, हम लोग क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, बहुत छोटा है हमसे, तो बचपन में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो इनका मतलब ये दोनों, ये और इनके जो भाई है साथ में, ये दोनों मतलब बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते आते थे, तो हम लोग दिन रात वही काम करते थे। हम घर के सामने जो गली टाइप का होता है ना, तो वैसे क्रिकेट, उसी के सामने हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो आज का जो मेला है, मेले के बारे में अभी हमको पता लगा है कि मेला आज संडे का बहुत फीका रहा है ना। ये भाई साहब है मथुरा से, आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम नितेंद्र कुमार। हाँ नितेंद्र कुमार। ये नितेंद्र कुमार जी है और आप?
मेरा नाम मनीष मनीष है और ये गाइज ये जो ड्रैगन ट्रेन है इसके जस्ट सामने ये टैटू बनाते हैं। टैटू के लिए ये लोग मथुरा से आए हुए हैं यहाँ पर मेले को वो करने के लिए, है ना। तो आज का मेला फीका फाका रहा, है ना। अगर गाइज आपको कोई टैटू वगैरह बनाना है तो क्या रेट रहे आपका? 200 रुपए इंच। फिर आपको जितना भी करवाना है। गाइज अभी अभी हमें कुछ हमारे व्यूवर्स भी मिल गए थे जो कि मथुरा के रहने वाले भैया लोग हैं, वो लगातार आए दिन हमको देख रहे थे, तो उनकी मतलब ठीक है हम लोग हाँ, आगे चलते हैं। उन लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं था जैसे कि उन्हें बताया, तो यदि आप लोगों का भी चैनल जैसे सब्सक्राइब नहीं है और आप हमारे व्यूवर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना जरूर करें। तो गाइज ये वाला जो आपको झूला दिख रहा होगा, देखिए गाइस दीदी और मैं इस झूले में बैठ गए, पहली बार हमने किसी झूले को टच किया है। ये एक ऑटोमेटेड चलने वाला झूला है तो इसको आप भी मतलब धक्का देके आगे बढ़ा सकते हो। हाँ, आगे बढ़ा सकते हो। चलते हैं खाई के पान बनारस वाला अंकल के पास, विदा लेंगे इनसे भी। तो ये सारनी के बनारस पान, सारनी पान वाले भैया, आज का मेला कैसा रहा? आज का मेला अच्छा नहीं था, भीड़ भी नहीं थी, खासी भीड़ देखने के लिए। आज भी कम भीड़ लग रही जो पीते दो रविवार और गुरुवार को दिखाई दी थी। भीड़ भाड़ है बस, बाकी खरीदी नहीं है लोगों की। इधर मिलेगा एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन। तो यार हमको भी दिखाओ इधर पास से। ये भैया देखो एरोप्लेन कैच करने वाले। क्या नाम है आपका भैया? जयपाल बिले। ये भैया कहाँ से आए हैं? हम लोग आए सारनी से। सारनी से आए भैया, और एक मिनट थोड़ा स्लो मोशन में दिखाइए दर्शकों, आप ये देख लीजिएगा, ये हेलीकॉप्टर है क्या? जी हाँ। अच्छा ये बच्चे मुझे उड़ाते थे वाला है। अच्छा। ये देखिए आप पास से दिखा देता हूँ मैं, ऐसा कुछ है और अब ये ऊपर झन्नाएंगे इसको झन्ना। और ये गाइस अभी तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ये पास में आएगा तो देखते हैं अपन। ये क्रैश हो गया इनका हेलीकॉप्टर। तो ये कितने का भैया? 20 रुपए। ये केवल 20 रुपए का हेलीकॉप्टर गाइस, तो आप अभी तो बेचेंगे ना? ये गाइस एक बार फिर से आ रहा है और अब की बार भैया ने कैश ले लिया और हेलीकॉप्टर आउट हो गया। अब हम लोग गाइस यहाँ से चलते, ठीक है भैया, है ना, ठीक है। तो गाइस क्या बात है, आजकल सभी लोग खेल खिलौने खेलते हुए दिख जाते हैं मुझे। अभी भैया भी हेलीकॉप्टर खेल रहे थे। ये कितने कितने के भैया? अब जो है वो मेला अपने अंतिम चरणों में मुझे समझ में आ रहा है। आज संडे के रिस्पॉन्स के बाद ज़्यादातर लोगों से मैंने ये जाना कि आज का जो मेला है वो बहुत ही कम उठान पर रहा और झूले भी लगभग खाली दिखाई दे रहे हैं। आपको एक एक दो दो बच्चे और सारी चीज़ें कम दिखाई देंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये ड्रैगन है, इसमें मुश्किल से एक एक दो दो लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकी ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, मम्मी और दीदी वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं दूर, पता नहीं क्या ले रहे हैं। और हम तो गाइज क्या नाम है आपका? अंशु प्रजापति। हाँ अंशु प्रजापति। अंशु यहीं रहते हो? नहीं मैं भोपाल का हूँ। भोपाल के हो और आप? भोपाल से हो? हाँ। और अच्छा ये भैया तो सामान बेच रहे हैं? हाँ। नहीं ये बेच रहे हैं, बेच रहे हैं कि ले रहे समझ में नहीं आ रहा, दुकान किसकी है ये? अच्छा ये इनके भाई है, कैमरे के पीछे रहना चाहिए। मेले में भी आप गाइस जेब कतरों से सावधान रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। गाइस मम्मी से पूछ रहे थे कुछ खाना है क्या गाइस? तो गाइस आप कमेंट करें कि हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो क्या खाना चाहिए, पर हम आपके कमेंट जब तक के पढ़ेंगे तब तक के बहुत देर हो चुकी होगी। गाइस हम लोग आज संडे यहाँ पर आए हुए थे मेले में और अभी अभी हमारे व्यूअर्स हमको मिले हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये नादिरा हमसे मिलने के लिए आई थी, इसका चेहरा नहीं दिख रहा थोड़ा सा सर, तो नादिरा है ये, है ना, और यहीं रहते मुल्तानी में। ये हमारा चैनल देखती है, हमारे खुद ही बताएंगे सब्सक्राइबर है आप हमारे। और इनका नाम क्या है? अजमत। आपका बेटा? तीन चार बनाना। रेहान। रोहन। और आपका? विशाल। तो ये चारों भाई बहन साथ में किसके आए हैं आप लोग? अच्छा साथ में। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन्थ में। और अभी ये ब्लॉग में आएंगे, इसका टेलीकास्ट कल होगा, ठीक है, बाय भैया। और ठीक है आज का मेला कैसा रहा? आज का भी बेस्ट था क्या? क्या बात करें। अच्छा भैया की आइसक्रीम की दुकान है और बढ़िया चली, इसलिए इनके लिए आज भी बेस्ट है। वैसे व्यापारियों से पूछा था मैंने तो आज का संडे का फीका बता रहे थे थोड़ा सा, बीते दो संडे से, तो अभी मेला कब तक चलने का है? चलेगा जब तक चलेगा, फिर भी जैसे दशक दिन और गाइस चलेगा, मतलब ये हफ्ता पकड़ के चलो, इसके बाद ये भी ठीक है। और आइसक्रीम वगैरह अच्छी चल रही, ठंडी में भी चलती है बढ़िया, चल अच्छा है, फैशन बन गया है अब तो, ठीक है। तो ये थे आइसक्रीम वाले भैया पुष्पेंद्र भैया, गोविंद, गोविंद भाई थे। तो अब ये लाही वाले भैया है, नाम सुनील भैया, सुनील वर्मा, यहाँ से लाई वगैरह तो ले ही लिए, सीधे अब घर जाना है गाइस, और फिर कल कुछ प्रोग्राम्स वगैरह है मुल्ताई में। मैं आपका मैं किधर
सिंगाड़े भाई अब गाइस अब और किलो आधा किलो आधा किलो सूर्या सूर्या एक ब्रेकिंग न्यूज़ है गाइस अभी की सिंगाड़े के जो मूल्य में परिवर्तन आया है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ये रिड्यूस हुआ है। बचपन के मित्र हैं शुभम और साथ में मोहित और ये मेला मेले में पहली बार दिखाई दे रहे हैं। शुभम की आदत है बचपन से बहुत कम घूमने की और बहुत कम बोलने की और बाकी सब ठीक है। इंदौर से चली आया मैं। अच्छा 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 तो गाइस अब ये भी कल के ब्लॉग में दिखाई देंगे मोहित डेली देख रहे थे डेली यही देख रहे थे अपने अच्छा। मेला पहली बार आ रहे हैं मैं डेली बस आपके ब्लॉग देख रहे थे क्या हो रहा है। साथ हमको फिर से मिला है मतलब अभी मिला है कल भी आपने ब्लॉग में साथ को देखा ही होगा कल वाला ब्लॉग देखा था अभी देख नहीं पाया था साथ तो अभी साथ हमको फिर ज्वाइन किया है जस्ट बहुत देर से हम साथ का इंतजार कर रहे थे इंतजार हो गई इंतजार की लास्ट में आए हैं भाई साहब तो अब हम देखते हैं यहाँ से साथ का अभी साथ थोड़ा सा कॉल पे आपको दिख रहा होगा ये देखिए आप अंदर एक टूटा बंधा हुआ है और अच्छा दिख रहा है अभी शेविंग वगैरह भी करवा ली थी खुद ने करी थी या ऑल इंडिया पे टेलीकास्ट होने वाला है अच्छा साथ आ गया तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो ओवर टू दीदी। गाइज आपको पता है यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आपका भी वीडियो हमारा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके बाय।